नमस्कार, स्वागत है आपका नागाजी रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम टेम्पटिंग घेवर, जो कि हलवाई जैसा बनता है बिना सांचे के। ये हम बनाने जा रहे हैं पुराने आटे की छलनी में। ये देखिए, इसमें हमने डाला है 4 चम्मच घी। ये देखिए, आपको इसमें एकदम शुद्ध देसी घी डालना है। इसके बाद हमने इसमें डाली है बर्फ। हमने इसमें कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए बर्फ के और बहुत ही अच्छे से इसे पीस लिया है। देखिए, आपको बहुत ही स्मूथ पीसना है इसे, बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया एकदम ठंडा दूध और इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। हम आधी आधी करके डालेंगे मैदा। ये देखिए, ऐसे ही आपको इसे पीस लेना है। इसके बाद हमने इसमें डाला है 1 चम्मच बेसन, यानी कि ग्राम फ्लावर, और हमें इसे अच्छे से पीस लेना है। हमने इसमें डाला है ठंडा पानी। ये देखिए, अब हमने इसमें डाला है नींबू का रस। यहाँ पर हमने लिया है कटोरा, उसमें नीचे रख दिया बर्फ और फिर हमने रख दिया है अपना बैटर। हमने बॉटल में भर लिया बैटर। यहाँ पर हमने घी बहुत अच्छे से गर्म किया है और यहाँ पर हमने रखी आटे की छलनी, उसका नीचे वाला जो भाग होता है उसे हटा दिया है और हमने इसमें डाला है अपना बैटर। ये देखिए, धीरे धीरे आपको डालना है बैटर। ये देखिए, अपने आप ही वो साइडों में जा रहा है। आप चाहे तो किसी भी चीज की सहायता से इसे साइड में कर सकते हैं, जैसे कि चमचा या चम्मच। ये देखिए, धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से सिक रहा है। ये देखिए, बीच में हल्का हल्का होल कर लीजिए। ये घेवर बहुत ही डिलीशियस लगता है। ये देखिए कितना अच्छा हो गया अभी है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये ऊपर से कच्चा है, तो अभी ऊपर से और सिकेगा। ये देखिए, नीचे से तो एकदम मस्त हो ही चुका है, अभी हम इसे ऊपर से भी और बढ़िया सेकेंगे। ये देखिए, अब हमने इसमें से घी निकाल लिया है, ऐसे हमने पकड़ लिया है और हम थोड़ा सा और सेकेंगे ऊपर का गर्म घी डाल के। एकदम बढ़िया, जैसे बाजार जैसा नहीं हो जाएगा ना, तब तक हम इसे सेकेंगे। बाजार का कितना अच्छा आता है ना, एकदम क्रिस्पी घेवर। देखिए, जहां से कच्चा रह गया वहां से इसे सेक सकते हैं। अब घी रिलीज कर लीजिए। ये देखिए कितना जालीदार बना है, हमने इसे कटोरी में रखा है जिससे इसका घी निकल जाए। ये देखिए, हमने इसमें डाली है करीबन 1.5 से 2 कटोरी शक्कर और हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी। जो चाशनी है बहुत ही गाढ़ी होनी चाहिए, हमें ज्यादा नहीं पकाना है चाशनी को। ये देखिए कितनी गाढ़ी है। बस अब हम इसे हटा लेंगे गैस से। ये देखिए, अब हम इसे घेवर में डालेंगे। ये हमारा सिर्फ चाशनी वाला घेवर है। ये देखिए, अब इस पर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद अनुसार डाल सकते हैं। जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पिस्ता, चिरौंजी, बादाम डाले। ये देखिए, ये हमने बिना रबड़ी वाला घेवर बनाया। हमें अच्छे से डालने हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में याद रहे, हमें अपनी कंजूसी नहीं करनी। यहाँ पर हमने लिया है, ये देखिए अपना घेवर। ये हम दूसरा वाला बना रहे हैं, रबड़ी वाला। ये देखिए कितनी अच्छी चाशनी है। अभी हमें इस पर डालनी है अपनी चाशनी। ये घेवर बहुत ही ज्यादा जालीदार होना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एकदम हलवाई जैसा है। ये देखिए, अच्छे से हमने इस पर डाल दिए
चाशनी और इस पर डालेंगे रबड़ी। देखिए बहुत ही अच्छे से आपको फैलानी है, कितनी अच्छी रबड़ी है हमारी, ये देखिए एकदम दानेदार रबड़ी होनी चाहिए आपकी। रबड़ी हमने थोड़ी सी कम मीठी बनाई है क्योंकि घेवर में भी हम चाशनी डालते हैं। ये देखिए लग रहा है ना एकदम टेम्पटिंग घेवर, इसे देख के कोई कह ही नहीं सकता कि आपने घर में बनाया है। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है, इस पर आप ड्राई फ्रूट्स और डालेंगे तो ये सोने पे स्वाद का ही हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से इस पर ड्राई फ्रूट्स डालने हैं हमें। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा व्यूअर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।